So let us continue the chapter transmutation. Transport in plants. In this section, हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ठीक है, आफ्टर दिस हम यहां पे स्टार्ट करेंगे द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. बिफोर दिस हमने पढ़ लिया था द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. एज वी नो, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल्स टू सेल्स और टिश्यू टू टिश्यू एंड रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है. ठीक है, तो हमने जो इससे पहले वाला ट्रांसपोर्ट पढ़ा था दैट इज सेल टू सेल ट्रांसफर एंड टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफर, दैट इज बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंसेज ट्रांसपोर्ट. बट इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? एज वी नो कि वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये कहां तक जाते हैं? टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो इतने डिस्टेंस तक जो ट्रांसपोर्ट है वो ओनली डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं होगा, इसके लिए एक बिग मैकेनिज्म चाहिए. इसे हम डिस्कस करेंगे इन द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो इसका सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस होता है या नहीं होता है. तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक फ्लावरिंग ट्यूब को लिया एंड ये जो फ्लावरिंग ट्यूब थी इसमें जो फ्लावर्स थे इनका कलर था व्हाइट एंड फ्लावरिंग ट्यूब इज ऑल्सो व्हाइट कलर. सो आफ्टर दिस हमने इस ट्यूब को रखा इन द कलर्ड वॉटर. कलर्ड वॉटर में रखने के बाद में जब हमने इस ट्यूब का एक सेक्शन लिया और इस सेक्शन को एक माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें यहां पे दिखाई दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज कलर्ड सॉल्यूशन. एंड आफ्टर हमने जब इसको ट्यूब को इस कलर्ड सॉल्यूशन में रखा तो ये ट्यूब भी कलर्ड हो गई ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस वाटर और दिस कलर्ड वाटर. इसे हम इजीली इन द सेक्शन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. सो जब हमने इसका एक सेक्शन लिया तो यहां पे देखा कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके थ्रू इस वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिकॉज दिस वाटर इज कलर्ड और इस कलर्ड का ट्रांसपोर्ट हम इजीली देख सकते हैं. सो दिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिफाइन हो गया कि प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर है जो सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट करती है और प्लांट के अंदर सॉल्यूशन पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इन दिस सेक्शन हमने देखा कि ट्यूब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था सॉल्यूशन का वो हो रहा था थ्रू द वैस्कुलर टिश्यूज. एंड दिस टिश्यूज आर स्पेशली जाइलम बिकॉज हमने यहां पे देखा कि एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है वाटर का एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू बाय द जाइलम. एंड अदर सॉल्यूशन जो है लाइक फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन सबका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम. सो इन द टिपिकल प्लांट हमने देखा था पहले जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा था उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो था सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू. दैट मीन्स वन सेल टू अनदर सेल सॉल्यूशन जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा था वन मैकेनिज्म के थ्रू दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेज में होता है. दिस शॉर्ट डिस्टेंसेज इज अबाउट
50 माइक्रोमीटर एंड 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने में जो लगने वाला टाइम है दैट इज 2.5 सेकेंड. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी स्लोअर. ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? स्लोअर होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज हमें यहां पे करना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अगर डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो तो ओनली 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस में 2.5 सेकंड लग रहे हैं. तो रूट से लेकर के लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक वाटर का और अदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमें चाहिए क्विकली ट्रांसपोर्ट. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑकर्स बाय अदर मैकेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज बल्क और फ्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो वाटर मिनरल्स एंड अदर फूड मटेरियल्स जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट है इन द प्लांट फ्रॉम द रूट टू अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स एंड स्टेम एंड लीव से लेकर के अदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो किसके थ्रू होगा? बल्क फ्लो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू. आफ्टर दिस यहां पे जो बल्क फ्लो हो रहा है, बल्क फ्लो को हम मास फ्लो भी कह सकते हैं, मास और बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो हमने इसे मास और बल्क फ्लो क्यों कहा? बिकॉज यहां पे बहुत सारे अमाउंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. डिफ्यूजन में ओनली अ फ्यू अमाउंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, बट इन द मास और बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट यहां पे बहुत सारे अमाउंट ऑफ मटेरियल्स लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर, मिनरल्स एंड दिस सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बल्क में होगा, मास में होगा. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज मास फ्लो ट्रांसपोर्ट और बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट. आफ्टर दिस हम मास फ्लो ट्रांसपोर्ट और बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लें. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मास, दिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ बल्क और मास. मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें सब्सटेंसेस का क्या होगा? मूवमेंट होगा. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट और मास फ्लो ट्रांसपोर्ट. आफ्टर दिस ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसे? डिफ्यूजन में तो हमने देखा था कि डिफ्यूजन जो है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा था. दैट मीन्स डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट अपने आप तो हो नहीं सकता, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रेशर की नीड होगी या कोई ना कोई एनर्जी की नीड होगी. सो द प्रेशर दैट्स नीड फॉर द बल्क और मास फ्लो ट्रांसपोर्ट, दिस प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. एंड दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड अनदर इज निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. सो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का हम एग्जाम्पल लें, दैट इज एज लाइक एज गार्डन होज. एंड निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एज लाइक एज सक्शन थ्रू अ स्ट्रो. दैट मीन्स जब पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रेजेंट होगा तो मास फ्लो या बल्क फ्लो जो है वो कैसा होगा? एज लाइक एज गार्डन होज. एंड निगेटिव सक्शन प्रेशर के थ्रू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू यहां पे जो बल्क फ्लो होगा वो कैसा होगा? एज अ सक्शन थ्रू
अ स्ट्रोक. ठीक है, आफ्टर दिस यहां तक बात हो गई कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, बल्क फ्लो के ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा. बट इसके लिए एक पाथ चाहिए एंड दिस पाथ प्रोवाइड्स बाय वैस्कुलर टिश्यूज. सो द बल्क मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज लाइक वॉटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स. सो द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज through the conducting tissues that are xylem and phloem is known as translocation. सो ये थिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट. ट्रांसपोर्ट तो पूरे प्लांट में होगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी होगा एंड शॉर्ट डिस्टेंस भी होगा. बट लॉन्ग डिस्टेंस में होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू बाय द कंडक्टिंग थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दिस इज द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज. This type of transport is known as translocation that occurs by the xylem and phloem. So, ये जो translocation है, it is found in the higher plants like angiosperms, because they have well developing conducting tissues. After this, xylem की यहां पे हम बात करें तो xylem किस चीज का translocation करेगा. These substances are mainly water and some mineral ions and also some hormones. इन सबका ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू दी जाइलम. द अनदर टिश्यू इज फ्लोएम. एंड वन मोर थिंग कि जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें वॉटर का ट्रांसपोर्ट तो होगा यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड हॉर्मोन्स एंड अनदर सब्सटेंसेज लाइक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो सब्सटेंस है इन सबका ट्रांसपोर्ट होगा मल्टी डायरेक्शनल. आफ्टर दिस फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है फूड मटेरियल्स का एंड दीज फूड मटेरियल्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो है इनका फॉर्मेशन होता है इन द लीव्स. सो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा ये होगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड द ब्रांचेज ऑफ स्टेम. सो द ट्रांसलोकेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल. इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड मटेरियल्स का इट इज ऑल्सो मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि कहां से कहां होगा, लीव्स टू मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स. आफ्टर दिस यहां तक हमने देखा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इसमें किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है. आफ्टर दिस
एज वी नो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे दैट आर वॉटर, मेन मटेरियल्स आर वॉटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वॉटर. वॉटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा एंड आफ्टर दिस, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, वॉटर जो है रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचेगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, दैट इज हाउ टू प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वॉटर. सो प्लांट्स जो है यही वॉटर का एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, इसका एक रीजन है. और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वॉटर फ्रॉम द रूट्स. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्लांट्स कि जो वॉटर का एब्जॉर्प्शन है प्लांट्स में वो ओनली रूट्स के थ्रू ही होता है, अदर पार्ट्स के थ्रू नहीं होता. तो रूट्स के थ्रू ही वॉटर का एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड सॉइल के अंदर जो अंडरग्राउंड रूट्स प्रेजेंट हैं, अंडरग्राउंड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स. रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, दे हैव थिन वॉल एंड दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. और हम इन्हें कह सकते हैं दीज आर द एपिडर्मल एक्सटेंशंस. सो एपिडर्मिस से इनका ऑरिजन होता है एंड बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एट द रूट. सो रूट हेयर्स का ही मेन काम होता है वॉटर का एब्जॉर्प्शन करना, वॉटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना. आफ्टर दिस, दिस रूट सिस्टम इज स्पेशलाइज फॉर द वॉटर एब्जॉर्प्शन. वो कैसे कि रूट हेयर्स जो होंगे इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है. Millions of root hairs are present in the root. ठीक है. After this, ये root hairs तो यहां पर बहुत सारे present है but water का absorption कैसे होगा. So root hairs ने क्या किया, absorption area तो बढ़ाया water का, साथ ही साथ यहां पर टू टाइप्स की मैकेनिज्म प्रेजेंट होंगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूट हेयर्स के थ्रू जो वॉटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कौन से पाथ के थ्रू हो रहा है. सो एज वी नो कि रूट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. दिस लेयर्स आर एपिडर्मल लेयर्स, देन कॉर्टेक्स लेयर एंड एंडोडर्मिस लेयर्स. सो एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो कॉर्टेक्स लेयर्स होती हैं, दीज आर डिस्टिंक्ट सेल्स, दैट मीन इनके बीच बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है. एंड जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, एंडोडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो सुबेरिनाइज्ड होती हैं. सो दीज सेल्स आर नोन एज कैस्पेरियन सेल्स एंड द कैस्पेरियन सेल्स आर जो कैस्पेरियन सेल्स हैं ये वॉटर के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होगी बिकॉज दैट आर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस. कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर जो सब्सटेंस मिल रहा है सुबेरिन, दैट इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो वॉटर को अंदर नहीं आने देगा. सो वॉटर कैसे अंदर जाएगा इसके लिए हम डिस्कस करेंगे टू पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट. These two paths are apoplast path and symplast path.
अब इन दोनों पाथ में क्या डिफरेंस होगा कि रूट हेयर्स के थ्रू जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्ब होकर के सबसे पहले कहां जाएगा, एपिडर्मल सेल्स में, ठीक है। सो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझें। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज एपिडर्मल लेयर, इट इज एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होगी कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस के अंदर होगी पेरिसाइकल। दीज आर दी आउटर लेयर्स ऑफ रूट टिश्यू। आफ्टर दिस द इनर मोस्ट लेयर इज वैस्कुलर टिश्यू। सो वॉटर का ट्रांसपोर्ट रूट्स टू लीव्स होता है मेनली थ्रू द वैस्कुलर टिश्यूज। सो जैसे ही वॉटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वॉटर को जाना पड़ेगा कहां से कहां तक, एपिडर्मिस से लेकर के वैस्कुलर टिश्यूज तक एक पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पाथ को फॉलो करने के लिए ये कौन सा पाथ लेंगे, सेल वॉल के थ्रू जाएंगे या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसके बेसिस पर हमने इन पाथ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज एपोप्लास्ट पाथ एंड अनदर इज सिम्प्लास्ट पाथ। सो पहले हम देखें एपोप्लास्ट पाथ के बारे में कि एपोप्लास्ट पाथ के थ्रू वॉटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा। सो इन द एपोप्लास्ट पाथ, एज वी नो कि सेल्स के बाहर प्रेजेंट होंगी, सेल वॉल सो वॉटर एंटर करेगा इनटू द एपिडर्मल सेल वॉल। अब जैसे ही वाटर एपिडर्मल सेल वॉल में एंटर किया, इसके बाद में जो एपोप्लास्ट पाथ है, दिस पाथ फॉलोज ओनली द वॉल लेयर्स, या हम कह सकते हैं कि एपोप्लास्ट पाथ में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा ओनली थ्रू द सेल वॉल ऑफ सेल्स। मींस इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट या बिटवीन द सेल्स, सॉरी नॉट बिटवीन द सेल्स, सेल टू सेल नहीं होगा, इंटरमीडिएटेड टू द सेल, मीन्स सेल के अंदर वॉटर नहीं जाएगा, ओनली इनकी जो सेल वॉल है इसके थ्रू वॉटर का ट्रांसपोर्ट होगा इस तरह से। और वॉटर एपिडर्मल सेल वॉल की अंदर एंटर करेगा, देन यहां से चला जाएगा कॉर्टेक्स की सेल वॉल में, देन इट एंटर्स टू द एपिडर्मिस सेल वॉल। बट इन द एपिडर्मल सेल वॉल यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल वॉल में प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, और इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को वॉटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो अब क्या होगा, ये वॉटर एंटर कर जाएगा इन द इनटू द एंडोडर्मिस, ठीक है। सो एपोप्लास्ट पाथ जो है इसके थ्रू जो वॉटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ओनली कहां तक होगा, एंडोडर्मिस तक, फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस, इससे आगे एपोप्लास्ट पाथ नहीं बढ़ेगा, एपोप्लास्ट पाथ की एंडिंग हो जाती है इनटू द एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो ये तो हो गई बात एपोप्लास्ट पाथ की। सो एपोप्लास्ट पाथ में वॉटर ने किसी भी लिविंग
लिविंग सेल को क्रॉस नहीं किया, कोई भी लिविंग मटेरियल को क्रॉस इसने नहीं किया, ना तो इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, ना ही सेल को क्रॉस किया, ना ही साइटोप्लाज्म को क्रॉस किया. सो एपोप्लास्ट पाथ इज अ पाथ ऑफ डेड सेल्स. दैट मीन्स ये ओनली जो है सेल वॉल से पास हो रहा है वॉटर, तो ये डेड सेल्स में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो लिविंग सेल्स है इनमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा. सो एपोप्लास्ट पाथ डजंट क्रॉस द लिविंग सेल्स. आफ्टर दिस हम बात करें सिम्प्लास्ट पाथ की. सिम्प्लास्ट पाथ इज प्रेजेंट इन द लिविंग मटेरियल्स. दैट मीन्स जब एपिडर्मिस के अंदर वॉटर एंटर किया तो ये डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और सेल टू सेल इसका ट्रांसपोर्ट होगा. बट सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट के लिए इनको एक पाथ चाहिए एंड दिस पाथ प्रोवाइड्स थ्रू द जंक्शंस एंड दिस जंक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. सो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वॉटर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा. और यहां से वॉटर जाएगा किसमें? वैस्कुलर टिश्यूज में. एंड वैस्कुलर टिश्यूज में जैसे ही वॉटर आ जाएगा इट स्टार्ट्स टू ट्रांसपोर्ट अपहिल. ठीक है. सो इन दिस सेक्शन हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो टू टाइप्स का होता है, एपोप्लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हो रहा है ओनली फ्रॉम आउटर सर्फेस ऑफ रूट टू द वैस्कुलर टिश्यूज, इट इज नॉट द बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो यहां पे जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हुआ? आउटर सर्फेस ऑफ रूट हेयर्स टू द वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज तक यहां पे वाटर पहुंचा. अब वाटर वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू लीव्स तक कैसे जाएगा? अपर जो है ये मूवमेंट कैसे करेगा? ये मूवमेंट डिपेंड करता है टू मैकेनिज्म पर. सो द मूवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू दिस पाथवेज डिपेंड्स ऑन टू फिनोमिनाज एंड दिस फिनोमिनाज आर, नंबर वन इज ट्रांसपिरेशन पुल. And second is root pressure. Transpiration pull and root pressure क्या होगा ये हम आगे discuss करेंगे. So, यहां तक हमने पढ़ा एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथ. एपोप्लास्ट पाथ एंड सिम्प्लास्ट पाथ जो है इनमें मेन जो है डिफरेंस क्या क्या होंगे? दिस डिफरेंसेस आर, सबसे पहला डिफरेंस हम लें तो एपोप्लास्ट पाथ में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हो रहा है थ्रू द नॉन लिविंग सेल्स. या हम कह सकते हैं द पार्ट द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, उसे हम सेल ना करके क्या कहेंगे? नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल. द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल. बट सिम्प्लास्ट पाथ में वॉटर ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट्स and these living parts are cell membrane and also cytoplasm. Second thing is apoplast path में जो water का transport हो रहा है इसमें कोई barrier नहीं है. That means cell wall के through जो transport हो रहा है यहां पर कोई barrier present नहीं है. So
this moment is non resistant, और हम कह सकते हैं a little resistant. बट सिंपलास पाथ की हम बात करें, एज वी नो सिंपलास पाथ में वॉटर का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी सेल्स. दैट मीन्स यहां पे वॉटर को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा थ्रू दी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रेजेंट हैं. सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से या जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इनकी वजह से इसमें एक बैरियर प्रेजेंट होगा जो वॉटर को ट्रांसपोर्ट होने में वॉटर का ट्रांसपोर्ट कैसा कर देगा, स्लोअर. सो सम बैरियर्स प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट पाथ. आफ्टर दिस एज वी नो कि इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, सो इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फास्ट. एंड सिंपलेस्ट पाथवे में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा स्लोअर. नेक्स्ट थिंग इज एपोप्लास्ट पाथ में कोई मेटाबॉलिक स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज यहां पे नॉन लिविंग पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द ट्रांसपोर्ट. सो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ फ्रूट डज नॉट अफेक्ट. Does not affect to the transport or apoplast path. But simplest pathway में cytoplasm के अंदर metabolic activities present होंगी and these metabolic states affect to the simplest pathway. So ये हो गए differences between एपोप्लास्ट पाथ एंड सिंपलेस्ट पाथ. आफ्टर दिस कि हमने पढ़ा एपोप्लास्ट पाथ और सिंपलेस्ट पाथवे के थ्रू वॉटर कहां से कहां तक जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ रूट हेयर्स टू दी इनर टिश्यूज दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम. सो जाइलम तक वॉटर को फ्लो होने के लिए दो पाथ प्रोवाइड थे, दैट आर सिंपलेस्ट पाथवे एंड एपोप्लास्ट पाथवे. बट इनका ट्रांसपोर्ट जाइलम तक होने के बाद में अपर जो पार्ट्स हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसके लिए टू मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं. दीज मैकेनिज्म आर, वन इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड अनदर इज रूट प्रेशर. सो ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मेनली ट्रांसपिरेशन पुल is created by the mechanism of transpiration. So transpiration present होगा in the leaves. ठीक है, अब leaves में जो transpiration present है उसके through water का क्या होगा, evaporation होगा. और evaporation होने से जो नीचे का water है, लोअर पार्ट्स में जो वॉटर है वो अपर पार्ट्स में आने के लिए उनमें एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा. एंड दिस टेंशन एंड प्रेशर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल दैट इज क्रिएट्स बाय द ट्रांसपिरेशन इन द लीव्स. सो ट्रांसपिरेशन इज अ पॉजिटिव प्रेशर जिसके थ्रू क्या हो रहा है, सॉरी इट इज अ नेगेटिव प्रेशर.
जो क्या कर रहा है, एक ट्रांसपिरेशन पुल का फॉर्मेशन कर रहा है जिससे वाटर नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा. आफ्टर दिस रूट प्रेशर इज प्रेजेंट इन द रूट्स एंड दिस प्रेशर क्रिएट्स फ्रॉम द यूज ऑफ एनर्जी. सो ट्रांसपिरेशन पुल इज अ पैसिव मैकेनिज्म. मीन्स ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जो वॉटर का मूवमेंट होगा दैट इज अ पैसिव मूवमेंट, बट रूट प्रेशर के थ्रू जो मूवमेंट होगा दैट इज अ एक्टिव मूवमेंट और इट यूज एनर्जी. सो रूट प्रेशर जो है ये क्या होता है, रूट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू द ग्रेडियंट. एंड ये जो ग्रेडियंट है ये यूज करेगी एनर्जी का, एंड इस एनर्जी को यूज करके जो रूट है, रूट के अंदर जो कंसंट्रेशन है एंड जो सॉइल है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों में एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा. और इस ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी के थ्रू सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज अ एक्टिव प्रेशर और इट यूज और इट कंज्यूम एनर्जी टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. एंड दीज टू पाथवे, दीज टू मैकेनिजम्स आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ पाथवे, बट इन द एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे की हम बात करें तो यहां पर टू मैकेनिज्म जो प्रेजेंट होंगी दैट इज, वन इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड अनदर इज कोहेशन एंड अडेशन. ये दोनों जो मैकेनिज्म है दीज आर टोटली पैसिव मैकेनिज्म्स, दैट मीन्स इन दोनों में कोई एनर्जी यूज नहीं होगी. सो जो ट्रांसपिरेशन पुल है, एज वी नो ट्रांसपिरेशन पुल इज क्रिएट्स बाय ट्रांसपिरेशन दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स. एंड जैसे ही लीव्स में ट्रांसपिरेशन होगा लोअर साइड में एक प्रेशर और एक टेंशन क्रिएट होगा, एंड दिस टेंशन क्रिएट अ ट्रांसपिरेशन पुल जिसके थ्रू वॉटर अपर साइड में मूवमेंट करेगा. एंड आफ्टर दिस जैसे ही वॉटर अपर साइड में मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के लिए इसको एक फोर्स चाहिए, एंड दिस फोर्स प्रेजेंट इन द वॉटर ड्यू टू द वॉटर के अंदर प्रेजेंट होता है कोहेशन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल्स. कोहेशन जो प्रेजेंट होगा इट प्रेजेंट्स बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल्स एंड the adhesion present between water and xylem wall. Water and xylem wall. So cohesion की वजह से, cohesion जो force है इसकी वजह से water molecule एक दूसरे से bind रहेंगे. And the second thing is adhesion. एडिशन जो है ये प्रेजेंट होगा बिटवीन वॉटर एंड जाइलम वॉल, जिससे वॉटर के जो पूरा मॉलिक्यूल है जो बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये बल्क जाइलम वॉल से एक फोर्स के थ्रू अटैच रहेगा. दिस फोर्स इज नोन एज एडिशन फोर्स और इससे वॉटर का जो बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो रेगुलरली अपर साइड में होगा. ट्रांसपिरेशन पुल इसको पुल कर रहा है अपर साइड में, एंड कोहेशन एंड एडिशन की वजह से ये रेगुलर